हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं फिर आपसे मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का पराठा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा अपना अच्छे से गूंथ लेंगे। और कोई भी स्टर्व पराठा बनाने के लिए आटा जितना अच्छा मुलायम होगा उतना ही अच्छा पराठा बनेगा और पराठा फटेगा भी नहीं। तो खूब मसलते हुए हम इसे गूंथ के रेडी करेंगे। जितना नरम लोच रहेगी आटे में उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। ये टिप हमेशा याद रखें स्टफ पराठे के लिए। तो खूब अच्छे से मसलते हुए हम अपना आटा तैयार करेंगे, इसको गूंथ के अच्छे से रेडी करेंगे। ये देखिए, खूब मैं इसे गूंथ रही हूँ अच्छे से। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो अब हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ली है और इसको लेके हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए पनीर में और थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/3 चम्मच गरम मसाला है, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। इससे बहुत ही टेस्टी चटपटा टेस्ट आता है, तो मैं जरूर ऐड करती हूँ नींबू का रस। बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और 2 हरी मिर्च हैं, उसे मैंने बारीक काट लिया है, वो भी हम लेके इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको बच्चों को देना है तो आप हरी मिर्च लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। 15 मिनट हो चुका है, तो एक लोई ले लेंगे हम और इसको हाथों से पहले गोल कर लेंगे अच्छे से चकले पे रख के। और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा करके हम छोटी सी इसकी लोई बेल लेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस हाथ से भी कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस मुझे बहुत इजी लगता है कि छोटी सी लोई ही बना ले इसकी। तो अब हम इसमें फिलिंग स्टफ करेंगे। तो खूब ज्यादा फिलिंग इसमें स्टफ की है मैंने, तभी टेस्ट अच्छा आता है। जैसा कि मैंने आलू के पराठे के भी वीडियो में बताया था कि आटा केवल कवर के लिए यूज हो और बाकी फिलिंग का अच्छा टेस्ट आना चाहिए, तो इसीलिए फिलिंग खूब अच्छे से मैंने इसमें भरी है और एक्सेस आटा मैं निकाल दे रही हूँ। अच्छे से इसे सील करके रोल कर दे रहे हैं फिर, और दबाते हुए अब हम सूखा आटा थोड़ा सा इसमें लगा के इसे हाथों से पहले फैला लेंगे। ज्यादा कोशिश करेंगे कि हाथ से थोड़ा फैला लें। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे बेल के रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा और सूखा आटा लेके हल्के हाथों से हम इसे बेल के रेडी करेंगे। तो ये देखिए, हमारा पराठा बनके रेडी है। अब एक तावे पे हम इसको फैला देंगे। अब एक तरफ से जब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और उसके बाद ऑयल लेकर के स्प्रेड करेंगे और फिर इसके बाद इसको फिर पलट लेंगे हम, जब दूसरे तरफ से भी ये थोड़ा सिक जाएगा। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज किया है। पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लेके लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्रोटीन से भरपूर ये पराठे होते हैं, तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। और इसके साथ आपको अलग से चटनी बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, ये सॉस के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। सर्दियों में गरम गरम चाय हो और ये पनीर के पराठे हों तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। तो ये देखिए, पराठा बनके मेरे रेडी है और मेरी चाय भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी, तो मेरी चाय भी रेडी हो रही है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म चाय, सॉस और ये पराठा। ये देखिए स्टफिंग इसकी कितनी अच्छी है, पूरी भरी हुई है पनीर से। तो अब मैं इसे टेस्ट करूंगी, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ओके, बाय।